बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ईयर के डेटा को मंथ बेस्ड सर्च किस तरह से करना है, ये मैंने अपना लास्ट टॉपिक जो है अपलोड किया था अटेंडेंस डैशबोर्ड के हिसाब से। तो इसका जो टॉपिक था यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका जो हमारे पास ईयरली डेटा होगा इसको मंथ बेस सर्च करना है। स्टूडेंट ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करें, या इसके अलावा और भी कोई डाटा है आपका जो एनुअल बेस के ऊपर है और उसके साथ आपका मंथ मंथली डेटा एंटर हुआ हुआ है, और उसको फिर आप स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट के हिसाब से या फिर मैं कोई प्रोडक्ट के हिसाब से उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ हर मंथ की रिपोर्ट को, तो वो किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। जबरदस्त एडवांस लेवल है, फॉर्मूले भी इसमें एडवांस लगेंगे। तो लाइक कर दें वीडियो को, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट कहूंगा मैं, ये वाली वीडियो भी आप लाजमी देख लें ताकि कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद हम जो आगे स्टेप करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है जी, और डाटा के अंदर यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था ये इस वाले टॉपिक को। अब इससे हमारा कोई रिलेटेड ज्यादा काम नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली हेडिंग्स को लेना है मंथली, और इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन करनी होगी। करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी के बाद यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में हमें क्या करना होगा, आप कोई भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो ऑल स्टूडेंट्स का डेली का जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिकॉर्ड है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ स्टूडेंट्स की जगह हो जाएगा डे, और यहाँ वन और टू, और ये कलर वगैरह की जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से इसको भी क्लियर कर लेते हैं, वन और टू को ड्रैग कर देंगे हम। तकरीबन यहाँ पर हमारे पास 31 मंथ तक का रिकॉर्ड होता है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे 31 तक। ठीक है जी, बाकी का डाटा जो आ रहा है इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर ऑल, इसकी नीड नहीं है हमें। ठीक है जी, और यहाँ से ये जो डाटा आ रहा था अगर ये रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना तो इसको भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ओवरऑल आ रहा था हमारे पास कि हर मंथ की ऑल स्टूडेंट्स की रेटिंग क्या है, रेट क्या है, ये सब मैंने कल लास्ट वीडियो में जो अपलोड किया था सब उसमें डिटेल बताई थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डाटा हमें मिल गया। अब आप डायरेक्ट मंथ जो आ रहे हैं यहाँ पर मैंने इससे रेफरेंस उठाया हुआ था, तो ये डेट फॉर्मेट है, इसको हमने कस्टम किया हुआ था। अगर आप यहाँ पर इस शीट का रेफरेंस अलग से बनाना चाह रहे हैं, यानी पिछली प्रीवियस जो मैंने अपलोड किया है टॉपिक उससे रिलेटेड आप नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, तो आप फिर इसकी जगह पर इस तरह से डेट एंटर करेंगे। यहाँ पर आप जिस मंथ की आप बना रहे हैं जैसे जनवरी की है, तो यहाँ पर आपने जनवरी एंटर करा, और यहाँ पर सिर्फ मंथ शो करने के लिए यहाँ से 2023, तो इसको आप यहाँ से जाएंगे नंबर सेक्शन और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये जनवरी में आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से, तो ये डेट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट जनवरी जो होगा वो आप यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका जो है फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है और ये वाला राइट है। ठीक है जी, और अब इसको भी अगर यहाँ से हटाना है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको पिछली शीट का रेफरेंस नहीं देखना है, डायरेक्ट यूज करना है इस शीट को जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ अपने किसी डाटा के ऊपर, तो फिर आप इस तरह से मंथ के नाम इंटर करेंगे, ये जो हमारे जनवरी फरवरी है डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से नंबर सेक्शन से आप मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, तो हर महीने के नाम जो होंगे डेट फॉर्मेट आपको मंथ में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को बेहतर कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ जहाँ पर हमारा डाटा फिल होगा इसको मैं यहाँ से एरियल कर रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करना है तो रख लें, वरना तो यहाँ से इसको क्लियर कर लें। एक ड्रॉप डाउन के लिए आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है मर्ज, और यहाँ से मैं थिक बॉर्डर रख रहा हूँ। ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन, अब स्टूडेंट्स के नाम के हिसाब से उनकी मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे चेक करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल जेड में कर रहा हूँ, ये जो हमने रेफरेंस दिया है वो हमारे पास यहाँ इस सेल लिंक की शक्ल में आ रहा है,
तो हम इसको फिर यहाँ से अगर क्लियर करना है तो इसका फॉर्मूला रेफरेंस जो होगा वो हमें खत्म करना पड़ेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट एज वैल्यू। ठीक है जी, अब इसको अगर आपको नहीं रखना तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, लेकिन मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस आ रहा है फॉर्मूला का, कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम इसमें एक और मजीद चीज भी कर सकते हैं, जो मंथली हमारे पास रिकॉर्ड सर्च होगा उनको हम यहाँ से रेट एबसेंट कंपेरिजन कर सकते हैं, लेट वगैरह को, एबसेंट को, प्रेजेंट को, इसी में कंटिन्यू, तो इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मर्ज, मर्ज के साथ थिक बॉर्डर डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और यहाँ पे हमारी सोर्स जो है वो शीट जो हमारी थी टू, इसमें हमारे अटेंडेंस रिकॉर्ड था पूरे साल का। अब आपका जो भी डाटा होगा ईयरली, जिसको आप मंथली देखना चाह रहे हैं, उसमें जो आपकी बेस होगी, प्रोडक्ट हो गया, एम्प्लॉय का नाम हो गया, मेरे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है तो मैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ओके करके लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, जैसे मुझे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की जो है वो ऑल मंथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाए नाम से, मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट टू रखा है, तो किसी भी स्टूडेंट्स की पेरेंट्स क्वेरी आती है तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसके नाम के स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड सर्च करें, तो हर महीने का सिर्फ आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करना है, ईजिली सारा डाटा फिल होकर आ जाएगा कि किस मंथ में इनकी क्या प्रेजेंट एब्सेंट लीव लेट रहे हैं, ओवरऑल आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा एडवांस है, मैंने फिर स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, इसके अंदर जो मंथ, डेट, ईयर, मैच, इफ, इफ एरर, ये सारे फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन के साथ लगेंगे, कंबाइन यूज होंगे, और इसको फिर हम सब अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे इफ एरर, और उसके साथ आ जाएगा इफ फंक्शन, इफ के साथ आ जाएगा एंड फंक्शन, एंड के साथ आ जाएगा मंथ फंक्शन, मंथ के साथ आ जाएगा डेट। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। डेट के साथ अब ईयर हमें निकालना है सबसे पहले डेट में से, तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और ये जनवरी है मैंने बताया था डेट से पहले, तो इसको सिलेक्ट करके दो दफा F4 करेंगे, यहाँ पर ईयर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, तो ये डेट फंक्शन मंथ ऑप्शन देगा आपको, तो मंथ ब्रैकेट ओपन के अंदर भी यही सेल सेलेक्ट होगा, और इसको भी रो वाइज फिक्स करेंगे ताकि डाउन साइड ड्रैग हो जाए, राइट साइड ड्रैग नहीं हो, राइट साइड ड्रैग हो जाए, डाउन साइड ड्रैग नहीं हो। तो मंथ फंक्शन में दो दफा F4 की हमने ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर कॉमा के बाद डे के लिए जो वन हमने लिखा है सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये राइट फिल नहीं हो, डाउन फिल हो जाए, तो इसको तीन दफा F4 कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डेट का ब्रैकेट क्लोज और मंथ का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपका एंड फंक्शन आ गया, हमने इसको कंडीशन दी अगर ये बराबर होता है, ठीक है जी, किसके, मंथ के, मन ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग वाले, दो दफा F4 कर दिया इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डेट कॉमा लगाएंगे, ठीक है जी, मंथ के बाद कॉमा, और फिर डेट, और फिर डेट के साथ वही चलेगा ईयर, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर अलग से दोबारा सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, और इसको भी हम कर देंगे रो वाइज फिक्स, फिर ईयर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो कॉमा मंथ ऑप्शन, फिर मंथ ब्रैकेट ओपन, और अब इसमें वही सेल सिलेक्ट होगा मंथ वाला, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको भी कर देंगे F4 दो दफा रो वाइज फिक्स, और यहाँ पर फिर इसको कॉमा के बाद डे की जगह पे यहाँ वन सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, लेस देन इक्वल होता है, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज के साथ हमने फिर कंडीशन आगे कंटिन्यू करी, लेस देन इक्वल होता है टुडे करंट सिस्टम डेट के लिए हमने टुडे कॉल करा, और टुडे के साथ हम लॉजिकल एंड फंक्शन का यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये हो गई हमारी लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन, और इसके साथ अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और फिर वैल्यू इफ ट्रू की जगह पर एक और इफ कंडीशन को यूज करेंगे, और इसके साथ इफ एरर लगा लेते हैं, एरर होगा तो एरर हाइट करने के लिए इफ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन, उसके साथ लगेगा मैच फंक्शन, और मैच के साथ हम यूज करेंगे डेट, अब डेट में वही आ जाएगा, फिर ईयर फंक्शन हमें लगाना है, डेट ब्रैकेट ओपन के साथ हम करेंगे ईयर ब्रैकेट ओपन, और ईयर ब्रैकेट ओपन के बाद वही सेल सिलेक्ट होगा यहाँ पर जो हेडिंग वाला सेल आ रहा है, इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स दो दफा F4,
और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा मंथ की जगह पर मंथ फंक्शन, अगेन सेल वही हेडिंग वाला सेल जिसमें डेट हमने एंटर करी हुई है, फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, और फिर मंथ ब्रैकेट दो दफा F4 के बाद मंथ का ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा यहाँ पर डे के लिए वही वन वाला सेल सिलेक्ट होगा, इसको तीन दफा F4 करेंगे कॉलम वाइज फिक्स, और यहां पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट भी क्लोज। अब ये हमारी मैच फंक्शन जो हम चला रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं इसका सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, हर फॉर्मूले को स्टेप के साथ समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर लुकअप वैल्यू हो गई ये, और इसके साथ हम लगा देंगे इंडेक्स। इंडेक्स होता है हॉलीडे वगैरह को देखने के लिए, अगर कोई हॉलीडेज है आपके ऐसे जो जनवरी में आ रहे थे, फरवरी में आ रहे थे, मार्च में, तो आप एक लिस्ट बना लें अलग से, उस सेल के अंदर आप जो जो हॉलीडेज होंगे वो सेल में आप लिख सकते हैं अलग से। मैंने इसका रेफरेंस दे दिया इस रेंज का, तो मैंने इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के साथ ये हॉलीडेज की लिस्ट है, और यहाँ पर आप याद रखें Q5 से लेकर ये तकरीबन मैंने बनाई है Q10 तक, तो इसको हम बाद में एंटर करेंगे, अभी ब्लैंक है। तो ये हॉलीडेज भी हमने शामिल कर लिए एरे कंडीशन के अंदर इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के साथ। अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, रो नंबर पूछेगा, रो नंबर का कोई मसला नहीं है, फिर कॉमा लगाया कॉलम वन, यानी इसी कॉलम को एक सिलेक्ट करा है हमने, इसी को देखना। अगर आपने कोई डिफाइन किया हुआ होगा कि इस डे का ये डेट हॉलीडे है, तो फिर वो आप टू कॉलम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इवेंट और फिर सेकंड उस डेट का जिस दिन कोई इवेंट होगा जिस डेट का, तो वो टू कॉलम फिर हम यहाँ ऐड करेंगे। तो मैंने वन ही कॉलम रखा है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया वन। ये काम करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज होगा तो लुकअप एरे में मैच, सॉरी मैच का ऑप्शन आएगा कॉमा, तो यहाँ पर एग्जिट मैच सिलेक्ट करेंगे और फिर मैच का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इफ लॉजिकल टेक्स्ट की कंडीशन आ गई, यहाँ पर हम इसको कहेंगे ग्रेटर देन होती है ये जीरो, ठीक है जी, कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू की आनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने कहा फिर हॉलीडे आना चाहिए, एच कर दिया। आपको जो भी टैक्स प्रिंट करना है वो सेल में आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर कॉमा और फिर यहाँ पर होना तो ब्लैंक हो जाए। ये कंडीशन हमने यहाँ पर कंप्लीट करी कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ एरर की जगह पर हमने फिर एक फॉर्मूला अगेन यूज करा इफ एरर, ठीक है जी। अब नया नई कंडीशन यूज करी हमने, नई कंडीशन के साथ फिर हम इफ एरर कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। इफ एरर के साथ फिर हम एक इंडेक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंडेक्स इस दफा ब्रैकेट ओपन करेंगे इंडेक्स का, और हम जाकर यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो शीट टू पे हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड आ रहा है फर्स्ट, यहाँ से मैं अटेंडेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और शिफ्ट दबा के राइट जितने मंथ का रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, जितने आपकी अटेंडेंस होगी, तो मैं मार्च को कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे साल की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 31 मार्च, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये मैंने इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के साथ सिलेक्ट करी, और फिर इसको मैंने कर दिया F4, फिर यहाँ पर मैच फंक्शन यूज किया मैंने, मैच लुकअप वैल्यू, तो मैच लुकअप वैल्यू में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है हमने, जिसको बेस करते हुए रिकॉर्ड मंथ बेस सर्च करना है, लुकअप वैल्यू में वो शीट पर जाएंगे फाइनल रिपोर्ट, और इस वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने मर्ज किया हुआ, तो B1 से B3 सेल एड्रेस नहीं दे रहा, लेकिन मैं 3 हटा दूंगा, B1 ही रखूंगा इसको, और इसको हम कर देंगे वन टाइम F4, और फिर उसके बाद इस स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट कहाँ है हमारी अटेंडेंस शीट पर, जो शीट टू पर है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और ऑल स्टूडेंट्स के जो नाम आ रहे हैं, जो भी यानी आपकी प्रोडक्ट होगी, कोई एम्प्लॉयज होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिसको बेस करते हुए मंथ बेस सर्च करना है, वो ऑल कॉलम आपका सिलेक्ट होगा यहाँ पर, और इसको हम कर देंगे वन टाइम F4, ठीक है जी। फिर कॉमा लगाएंगे तो मैच का ऑप्शन आएगा जीरो, एग्जिट मैच करेंगे, और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा कॉलम नंबर की जगह अगेन मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैच फॉर्मूले के साथ अब हम दे देंगे यहाँ पर डेट, और डेट के साथ ब्रैकेट ओपन किया वही ईयर का फॉर्मूला, ईयर ब्रैकेट ओपन के साथ अब जाएंगे हम फाइनल रिपोर्ट, और यहाँ पे वही मंथ की हेडिंग सिलेक्ट करेंगे दो दफा F4, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ईयर हो गया, फिर यहाँ पे वही मंथ की जगह पर आ जाएगा मंथ, मंथ की जगह पर यही सेल सिलेक्ट करेंगे दो दफा F4, मंथ का ब्रैकेट क्लोज, डे की जगह पे यहाँ डे वन वाला सेल क्लिक करेंगे कॉलम वाइज फिक्स तीन दफा F4, ठीक है जी। और ये काम करने के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा डेट का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर अब डेट का ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास मैच फंक्शन की कंडीशन आ गई लुकअप वैल्यू की, और फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे,
लुकअप एरे, लुकअप एरे में अब हमें हेडिंग को सिलेक्ट करना है। लुकअप एरे में हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे अपनी शीट अटेंडेंस वाली में, और जो डेट की हेडिंग्स होंगी फर्स्ट सेल, ठीक है जी, यहां से इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। दोबारा जाऊंगा मैं अपनी शीट टू पे, जहां से स्टार्ट हो रही है हेडिंग्स, यहां से शिफ्ट राइट, जितने मंथ की अटेंडेंस होगी उस हिसाब से आप मंथ सिलेक्ट करेंगे। मैंने मार्च तक की एरिया कंडीशन दी है तो मैं मार्च तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरे साल की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 31 मार्च तक की हेडिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और इसको मैंने कर दिया वन टाइम F4,0 एग्जिट मैच, और यहाँ पर कर देंगे मैच का ब्रैकेट क्लोज। मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स आ गया, तो इंडेक्स की जगह हमें कॉलम कुछ नहीं चाहिए, कॉलम की जगह हमने फिर ब्रैकेट क्लोज करा, तो यहाँ पर वैल्यू इफ एरर, वैल्यू इफ एरर में जो होगा वो वीकेंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हमने कर दिया इसका ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा क्लोज, वैल्यू ऑफ एरर का क्लोज हो गया। फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ एरर का ऑप्शन आया, उसको भी क्लोज कर दिया हमने। फिर कॉमा यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर हमने कहा ब्लैंक हो जाए, फिर दो इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर दिया एफ एरर का क्लोज। अब जो फर्स्ट वाला एफ एरर था उसकी रिटर्न कंडीशन आ गई, फिर इसको भी हमने दो इनवर्टेड कॉमा के साथ ब्लैंक और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। इस टैब से सारे फॉर्मूले को हमने यूज किया है इसके अंदर एक के बाद एक, और ब्रैकेट क्लोज करते हुए चेक करते हुए हमने काम किया, कहीं पर कोई गलती होगी तो एंटर करने से फॉर्मूला आंसर नहीं करेगा, एरर आएगा। बिल्कुल सही है हमारा, तकरीबन फर्स्ट जो है वो वीकेंड था इसका जनवरी का, तो यहाँ पर W लिखा हुआ आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। देखें हम यहाँ पर फर्स्ट डे का वीकेंड था, तो हमने जो डेट को बेस करते हुए बनाया था यहाँ से ड्रॉप जोन से, तो वो हमने लिस्ट में से हटा दिया था नाम, तो वो हमारा इसके अंदर जा रहा है, वीकेंड आ रहा है। अब दूसरी तारीख का जो रिकॉर्ड आएगा वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी एब्सेंट्स है, मैंने कंटिन्यू एब्सेंट रखी है ताकि कंफर्म हो जाए कि ये सही है। तो अब हम इसको डाउन लेके जाएंगे, स्टूडेंट मंथ सिलेक्ट है, ठीक है जी। यहाँ पर स्टूडेंट वन का रिकॉर्ड ही मैं बता रहा हूँ, कोई एब्सेंट में जा रहा है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अब ये ईयर से डाटा हमने मंथ में डिवाइड करना है, ये एब्सोल्यूट्स वगैरह जिस तरह मैंने बताया इसी तरह होना चाहिए। जब बड़ा कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको एक दफा रीचेक कर लिया करें इंटर से पहले, और अब हम एंटर कर लेते हैं, तकरीबन सही लग रही है स्टेप्स मुझे, और एंटर के बाद इसको डाउन से ट्रैक करेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे वीकेंड्स हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जहाँ जहाँ वीकेंड्स होंगे वो कंटिन्यू एब्सेंट आ रही है। अगर मैं अब यहाँ पे फरवरी तक लेकर आऊँ इसको, ठीक है जी, जितने मंथ तक आपको चाहिए, यानी जो जो मंथ आपके अपडेट होते रहेंगे उस मंथ के अंदर से यहाँ रिपोर्ट आती रहेगी जो सिलेक्ट करेंगे, तो इसको आप आखिरी तक जो है वो फिल कर सकते हैं, कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल आर फोर राइट। अब फरवरी का 28 तक होता है मंथ, 28 तक कंडीशन आ गई, और इसके बाद जो है अभी करंट डेट जो है वो 5 चल रही है, तो तकरीबन 5 तक का 6 आज स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 5 वीकेंड्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5 मार्च, ठीक है जी, अब इसमें 5 है ही नहीं क्योंकि वीकेंड्स जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके अलावा हमने यहाँ पे क्यू तकरीबन 5 से लेकर Q5, इसमें रेंज को चेक कर लेते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे Q5 से Q10, तो Q5 पे पहले हम यहाँ पे कर्सर क्लिक कर लेते हैं Q5, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ Q10 तक, ये हमारी हॉलीडे की रेंज थी। और अगर हॉलीडेज हमारे सही हैं तो मैं अब यहाँ पे कोई डेट इंटर करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 फरवरी का हॉलीडे था, तो स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2 फ़रवरी 2023। देखें हॉलीडे आ गया, तो है ना बढ़िया। एक दफ़ा आपको फार्मूला लगाना है, शायद फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, एक दफ़ा अप्लाई कर लेंगे तो ईजिली सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम ऑटोमेटिक अपडेट करते रहेंगे आप हर महीने का। तो इसमें सब आप जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे वहां से आपकी उस स्टूडेंट्स के हर महीने की रिकॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसी को देखते हुए आप उनकी टोटल, ये जैसे वर्किंग डेज हमने चेक करे थे कि अभी तक के वर्किंग डेज क्या है, तो आप इसमें उनकी अटेंडेंस कंटिन्यू जनवरी में कितनी रही प्रेजेंट, एबसेंट कितनी रही, ये भी आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो कोई भी इस तरह की इंक्वायरी है, कोई रिपोर्ट्स है, कोई मीटिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स है, कोई किसी पर्सन की, यानी अगर हमें कोई रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो वो आप इसमें ये काफ़ी हेल्प करेगी आपका फॉर्मेट, और हर तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब जैसे हमें अगर इसको ये चेक करना है कि भाई काउंट इसका क्या रहा, तो हम यहाँ पर काउंट इफ करेंगे
ब्रैकेट ओपन और ऑल स्कोर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी। और प्रेजेंट के लिए हमें चाहिए पी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अगर ये फॉर्मेट इसका परसेंट में आ रहा हो तो यहाँ पर आप जनरल क्लिक कर लीजिएगा। अब जनवरी में से 25 वर्किंग डेज थे इनके, 20 इनकी प्रेजेंट सही है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लें। अब इनकी एबसेंट डेज चाहिए, एबसेंट डेज के लिए यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को, हर कैटेगरीज को आप सर्च और फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर एबसेंट इनकी कोई नहीं है, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 5 में, अगर 1 का चाहिए तो 1 में मैंने एबसेंट ज़्यादा रखे हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें 19 में से इनकी तकरीबन 25 वर्किंग डेज में से 19 प्रेजेंट और 6 जो है वो एबसेंट है, तो टोटल कितने 25 ही हो गए इनके। और अब इसी को हर महीने के लिए कंटिन्यू करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रो वाइज फिक्स कर लेते हैं और फिर इसको मैं राइट लेके आऊंगा तो फरवरी की रिपोर्ट आ जाएगी टोटल। और इसी को मैं अगर यहाँ से इस तरफ लेकर आऊंगा रो वाइज फिक्स करके, तो यहाँ पे इनकी फरवरी की एब्सेंट रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह और आगे तक कंटिन्यू कर लेते हैं मार्च की, और ये इनकी इसकी, ठीक है जी। अब हॉलीडेज वगैरह चेक करना है, ठीक है जी। तो इसी को फिर आप हॉलीडे के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट को, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको हम कंडीशन दे देंगे काउंट इफ ऑल इन सिलेक्ट रो वाइज फिक्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉलीडे के लिए एच प्रेस कॉमा एंटर और राइट कंट्रोल आर, तो फेब्रुअरी की जो है वो हॉलीडे आ गई है इनकी। इस तरह से ऑल मंथ का, पूरे साल का भी अगर आप रिकॉर्ड बना लेंगे, कौन सी शीट पे, इस शीट पे जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, पूरा कंटिन्यू आपने हर महीने का पूरे साल का बनाया हुआ है, तो इसके अंदर से बनाने के बाद सिंगल किसी स्टूडेंट्स की अगर आपको इंक्वायरी मिल जाती है या इन्फॉर्मेशन निकालने का कहा जाता है, तो आप इस तरह से सिर्फ ड्रॉप डाउन से अपना जो भी स्टूडेंट्स का नाम होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट के साथ सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। और इसी तरह परसेंटेज भी आप रख सकते हैं अपनी, किसकी कितनी परसेंटेज, किस मंथ की क्या परसेंटेज रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप एक कॉलम ऐड कर लें और इसको मैं फाइनल यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, तो हर मंथ की अटेंडेंस परसेंटेज क्या रही है, आप इसको जनवरी को डिवाइड करेंगे अटेंडेंस प्रेजेंट रिकॉर्ड से इनकी, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रेजेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर, अच्छा पहले ये वाला सेल सिलेक्ट करना है प्रेजेंट और फिर इसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो हर मंथ की इनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है अटेंडेंस परसेंटेज रेट वो आ जाएगी इनकी, ठीक है जी। और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे तक, ऑल बॉर्डर परसेंट क्लिक कर लिया मैंने, सेंटर कर लिया, बोल्ड एरियल से मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, ये हर महीने की एवरेज आई है इनकी परसेंटेज की। तो किसी भी एम्प्लॉइज की, स्टूडेंट्स की, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये सारे फॉर्मेट आपके काफ़ी हेल्प करेंगे, हर स्टूडेंट की, ईच स्टूडेंट्स की, यानी हर महीने की आप रिकॉर्ड्स की एंट्रीज को देख सकते हैं। अब ये आगे एरर रिटर्न करेगा तो इसको एरर हैंडल करने के लिए एरर में लगा देते हैं फंक्शन को, इफ एरर और एरर होगा तो यहाँ पर कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा दे दें, ब्लैंक हो जाए, राइट कंट्रोल आर, क्योंकि अभी ये मंथ हमारे ऐड नहीं हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि मार्च का महीना करंट मार्च है, तो अभी आगे जब कंटिन्यू होगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो अटेंडेंस मार्च की डेट जैसे बढ़ेंगी आगे, तो उसके फिर टोटल वर्किंग डेज के हिसाब से जो प्रेजेंट आप ऐड करते रहेंगे यहाँ पर शीट टू में, जो हमने बनाया हुआ है अभी फॉर्मेट, तकरीबन मार्च 5 तक का बना हुआ है, 7 मार्च का, ये ऑटोमेटिक फिर आप ऐड करते रहेंगे, तो इधर उसकी रिपोर्ट खुद ब खुद बढ़ती रहेगी हर महीने की। मार्च का अप्रैल ऐड होगा तो अप्रैल की ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले हमारे फुल लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक कहलाती है इस तरह से। तो जिस स्टूडेंट की जिस मंथ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप रिपोर्ट बतानी है, आप इस तरह से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके उसका नाम, पूरी रिपोर्ट्स को यहाँ पे हर महीने की बता सकते हैं, इतने वीकेंड रहे, ये प्रेजेंट रहे, ये एब्सेंट रहे, ये लेट रहे, ये हॉलीडेज थे, और फिर उसके बाद ओवरऑल पूरे साल की अगर आपको कहा जा रहा है परसेंटेज क्या रही है इनकी अटेंडेंस, क्योंकि लाजमी जब रिजल्ट वगैरह को हम फाइनल करते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कि अटेंडेंस परसेंटेज वगैरह इनकी क्या है, तो आप इजिली किसी भी स्टूडेंट्स की चेक करके उसके नाम के हिसाब से यहाँ फाइनल रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई ये इनकी अटेंडेंस रही है।
तो उसके भी नंबर्स वगैरह को ऐड किया जा सकता है हर स्टूडेंट्स को देखते हुए यहाँ पे। और ये हॉलीडेज की कैटेगरी आ गई, यहाँ पे जो भी हॉलीडेज होंगे वो आपको एंटर करना है, ये हॉलीडेज के लिए रखा। अगर इसको आपको शो करना है कर लें, वरना तो यहाँ से हाइड कर दे, जब जरूरत होगी शो करें वरना तो हाइड रख लें यहाँ से। तो ये हो गई हमारे पास ओवरऑल, ठीक है जी। हर महीने की यहाँ पे टोटल को आपने प्लस करा हुआ है, तो इस तरह से आपको टोटल अगर हर उसका प्लस करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से सम करके कि वीकेंड प्रेजेंट एब्सेंट क्या रही है इनकी, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर इस हिसाब से जब ड्रॉप डाउन मंथ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हर मंथ की प्रेजेंट एब्सेंट लीव को शो किया जा सकता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो उसके भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए। इसी तरह की एडवांस से एडवांस वीडियो देखने चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और रिस्पॉन्स करें इस वीडियो को, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ें नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन, कोई क्यूरी है, फीडबैक से अपनी जरूर आगाह किया करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी बताया करें, आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। शाह इस्लाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।